नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद रखें मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन। तो हम कह सकते हैं मेंडल लॉ ऑफ सेपरेशन, आल्सो कॉल्ड इज लॉ ऑफ प्योरिटी, आल्सो कॉल्ड इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहा जाता है। मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन क्या है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है? वो हमें ये बताता है कि जिस वक्त अगर कोई भी दो अलील एक ही ट्रेट, एक ही कैरेक्टर वाले एक इंडिविजुअल में आ जाएं, नेक्स्ट जनरेशन में वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जब वो गैमेट्स बनाएंगे तो हर गैमेट्स में एक ही जीन जाएगा, दोनों नहीं, एक अलील जाएगा दोनों नहीं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? When two different alleles of a trait are brought together in individual, they stay together. आपस में इकट्ठे रहेंगे। मतलब ये है कि अगर देखा जाए हमारे पास मेंडल ने 7 कैरेक्टर जो है वो स्टडी किए थे। 7 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? हाइट में अगर देखा जाए टॉल वर्सेस ड्वार्फ है, तो टॉल डोमिनेंस है और ड्वार्फ रिसेसिव है। So, ये जब हम क्रॉस करेंगे तो टॉल आएगा। सीड शेप राउंड और रिंकल में, राउंड जो है वो डोमिनेंस है और रिंकल के ऊपर तो राउंड आएंगे। सीड कलर में येलो और ग्रीन जो है क्रॉस करें तो येलो आएगा। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड है, कंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्रॉस करें तो इन्फ्लेटेड आएगा स्मूथ। पॉड कलर में ग्रीन जो है येलो के साथ क्रॉस करने से हमारे साथ ग्रीन आएगा और ग्रीन फ्लावर कलर में पर्पल कलर जो है व्हाइट के ऊपर डोमिनेंस है, जबकि फ्लावर पोजीशन में एक सेल जो है वो टर्मिनल के ऊपर डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ से उठा करेक्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं, उसको हम ट्राई करते हैं इस लॉ पे। वो कह रहे हैं मिनिमम टू डिफरेंट एलील ऑफ अ ट्रेट, ट्रेट मीन करेक्टर, आर ब्रॉट टुगेदर इन इंडिविजुअल, दे स्टे टुगेदर, वो आपस में इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेट्स सपोज हमारे साथ ये करेक्टर है टॉल और ये करेक्टर है ड्वार्फ। अब अगर हम टॉल को ड्वार्फ आपस में क्रॉस करना चाहें तो पहले हमें अलील के बारे में पता होना चाहिए। अलील क्या चाहिए? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। सो ये हमारे पास जो है कैपिटल टी, कैपिटल टी है टॉल के लिए, और पास स्मॉल टी है ड्वार्फ के लिए। अब ये चूंकि जब मियोसिस होगा तो एक दूसरे से ये अलग होंगे, हमने इसकी गैमेट्स बना दी, ये हमारे साथ जो है ये गैमेट्स बन गया। गैमेट्स बनने के बाद अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी पे देखें तो कैपिटल जी स्मॉल टी के साथ क्रॉस होगी तो कैपिटल जी स्मॉल टी आएगा, फिर ये दूसरे के साथ अगर आपको रिलेट हो जाए कैपिटल जी स्मॉल टी आएगा। अब इसके बाद ये अगर इनके साथ क्रॉस हो जाए तो कैपिटल जी स्मॉल टी, और अगर ये इनके साथ आ जाए तो कैपिटल जी स्मॉल टी। ये जनरेशन जिसको F1 जनरेशन कहते हैं, मीन फर्स्ट फीमेल जनरेशन कहा जाता है, पहली नस्ल कहा जाता है। और ये जो क्रॉस हमने किया है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस द क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स प्लांट्स, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। ट्रू ब्रीडिंग इसलिए कि ये दोनों होमोजाइगस स्टॉल है और ये दोनों होमोजाइगस है ये ड्वार्फ है। एफ1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होती है? फिनोटाइपिक रेशियो मीन फिजिकल अपीयरेंस, जो नजर आ रहा होता है ऑल आर आर। जेनेटिक मीन उसकी जेनेटिक मेकअप जो है, उसकी जीन जो है ऑल आर हेटेरोजाइगस स्टॉल होते हैं। अब अगर हम इस तरह कर लें कि ये जो F1 जनरेशन आई है इसको हम आपस में क्रॉस कर लें, ठीक है, तो इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रदर सिस्टर क्रॉस कहा जाता है, ब्रदर सिस्टर क्रॉस कहा जाता है। क्यूमुलेटिव स्मॉल ट्री, क्यूमुलेटिव स्मॉल ट्री हमने इसके पहले क्या कर लिए, इसके हमने गैमेट्स बना दिए। गैमेट्स बनने के बाद प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे क्यूमुलेटिव इस क्यूमुलेटिव के साथ आ गया, फिर इसको आई क्यूमुलेटिव स्मॉल ट्री के साथ आ गया, और फिर ये स्मार्ट टी इस कैपिटल टी के साथ आ गई, और फिर स्मार्ट टी के साथ आ गई। तो अब फिनोटाइपिक के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास 3 जो है वो टॉल है और 1 जो है वो ड्वार्फ है। जेनेटिक के लिए अगर हम देखना चाहें तो 1 जो है वो होमोजाइगस स्टॉल है, 2 हेटेरोजाइगस स्टॉल है और 1 होमोजाइगस ड्वार्फ है। सो 1:2:1 हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा था, दे स्टे टुगेदर, ये यहां पे आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे थे। फिर उन्होंने कहा था बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द टू एलील सेपरेट सो दैट ईच गैमेट रिसीव वन एलील। ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे ना, अब वो क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया, हर एक गैमेट के अंदर एक एक एलील चला गया, एक एक जीन जो है वो चला गया। अब यहाँ पे एक चीज हम और डिस्कस करते हैं इनके साथ, वो है
कि ये बैक क्रॉस क्या होता है या टेस्ट क्रॉस क्या होता है या ये बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस हम किस मकसद के लिए करते हैं। तो आपके साथ जो F1 जनरेशन आई हुई है, F1 जनरेशन कौन सी है, कैपिटल G स्मॉल G या इस आप F1 जनरेशन है। अगर आप इस F1 जनरेशन को उसके डोमिनेंट्स के साथ क्रॉस कराएं इनके साथ, या इसको आप उनके रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएं इनके साथ, इसको कहते हैं बैक क्रॉस। तो कैपिटल G कैपिटल G के साथ क्रॉस करा दें या कैपिटल T स्मॉल T मीन F1 जनरेशन, ये हमारे पास F1 जनरेशन है, स्मॉल T स्मॉल T के साथ क्रॉस करा दें। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स है, ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स प्लांट्स है। सो इनके साथ जब हमने क्रॉस किया तो इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस, इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। एक होता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, अगर हम कैपिटल T स्मॉल T को क्रॉस कर ले स्मॉल T स्मॉल T के साथ, अब इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, पहले आप इसके डिविड बना दें, कैपिटल T स्मॉल T इनसर्कल कर ले, इनसर्कल करना जरूरी है क्योंकि इस पे मार्क्स आते हैं, इसको आपने इनसर्कल करने की को गिवीज बनाने के बाद उसको अपनी उसकी जेंडर भी शो करना है कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। कैपिटल T स्मॉल T आ जाएगा ये के साथ क्रॉस किया, कैपिटल T स्मॉल T आ जाएगा ये के साथ क्रॉस कर लिया, स्मॉल T स्मॉल T आ गया ये के साथ स्मॉल T स्मॉल T आ गया। अब ये दो हमारे साथ चार है और दो हमारे साथ ड्वार्फ है, टोटल हमारे साथ चार है, चार में से दो जो है वो टॉल है, चार में से दो जो है वो टॉल है, तो 100 में से कितने होंगे, जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 50 आ जाएंगे, 50% ड्वार्फ कितने हैं, ड्वार्फ भी अगर देखा जाए तो चार में से दो जो है वो ड्वार्फ है, तो 100 में से कितने होंगे, इसको भी क्रॉस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया 50। अगर 50:50 आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि वो जो पेरेंट्स था वो होमोजाइगस रिसेसिव था, अदरवाइज हमारे साथ दूसरे बैक क्रॉस भी है उससे वो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि एवरी टेस्ट क्रॉस is considered to be the back cross, but not every back cross is considered to be the test cross. तो यहाँ पे Mendel Law of Segregation के बाद हम test cross और back cross भी इनके लिए करते हैं। So Mendel Law of Segregation also called Mendel Law of Separations. So इसमें हम जो है इस तरीके कार से any one seven character में से हम study कर सकते हैं और उसको हम उस तरीके कार से जो है वो cross कर सकते हैं। इसमें हमने reciprocal cross भी किया, इसमें हमने brother sister cross भी किया, इसमें हमने back cross भी किया, हमने इसमें test cross भी किया।